रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 18 वर्ष पहले जो काम हमें करना चाहिए था, अब उसका समय आ चुका है। हाय, मैं हूं शोधन चोपड़ा और मैंने महारानी स्नेहलता की भूमिका निभाई है पौरुषपुर 2 में। पौरुषपुर 2 एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जहां राज सिंहासन पर बैठने के लिए कई दावेदार होते हैं। पौरुषपुर 2 कहानी है प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस, जुनून, ख्वाहिश और प्रतिशोध की। इस षड्यंत्र और रहस्य से भरे दास्तान को देखिए और एंड यू आर वॉचिंग पीक टॉक विद बालाजी। I think the reactions of both myself and Maharani Snehlata would be the same. And the reaction would be Barkhast. Again, same thing. मैं और महारानी स्नेहलता, हम दोनों किसी लड़के में क्या ढूंढना चाहते हैं? यही कि क्या वो हमारा अच्छा सेवक बन सकता है या नहीं। मालदीव्स का वीजा अगर कैंसिल होता है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? आई वुड मे बी थ्रो अ फिट एंड देन गेट ऑन विद माय लाइफ एंड मे बी प्लान अ वेकेशन फॉर सम अदर डेस्टिनेशन। महारानी स्नेहलता, महामंत्री, ये अनर्थ कैसे हुआ? जाइए और मालदीव्स से बेहतर जगह का वीजा लगवाइए, ये हमारा आदेश है। व्हाट डू आई थिंक आई विल फाइंड इन द बेडरूम्स ऑफ द फॉलोइंग पीपल? शाहिद कपूर, हिज वाइफ मीरा, रणवीर सिंह, अ ब्यूटिफुल गॉर्जियस पिंक नाइटी, कार्तिक आर्यन, हिज अडोरेबल पेट्स, प्रियंका चोपड़ा, अ बॉटल ऑफ शैंपेन विद सम सिगार्स, दीपिका, मैं नहीं बता सकती, गाना गा सकती हूँ, दम मारो दम। रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि आप राजकुमारी नहीं हैं। जिसकी जगह और हक पर आप कब्जा किए बैठी हैं, उनका असली नाम राजकुमारी मोनिका है। मैं यतीम हूँ, अनाथ हूँ, मेरी कोई बहन नहीं, बड़ी या छोटी। कभी कभी ऐसा महसूस भी होना कि काश मेरी एक छोटी बहन होती तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरी बहन शीतल वर्मा जैसी हो। कल एक सोशल वर्कर के भेस में एक बुर्का पहनकर, एक बुर्का साथ लेकर हम तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। अगर ये घर से भागा नहीं होता तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। ऐश करता ये स्विट्जरलैंड में सारी तैयारियां की जा चुकी थी। शिवानी, तुमने शिवानी का नाम क्यों लिया? क्या शिवानी यहां आई थी? Thank you.
निर्मला जी, हमें अच्छी तरह याद है कि कल शाम को हमें आपके वर्ल्ड शेल्टर डे के फंक्शन पर आना है। आपको हमारे लिए गाड़ी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप ही आ जाएंगे। जी, आज मैं किसी और कारण से आई हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारा फंक्शन एक बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है, बड़ी बड़ी हस्ती आ रही है, इसलिए क्या? इसलिए एक छोटे से रिहर्सल की जरूरत है। मैं जानती हूँ आप लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, और आप लोगों का समय भी बहुत कीमती है, इसके बावजूद भी मुझे आना पड़ा। देखिए, वैसे रिहर्सल में आने के लिए हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस वक्त मुश्किल होगा। सिर्फ आधे घंटे के लिए आना पड़ेगा मैडम, आप तो जानती हैं इस तरह के फंक्शंस के लिए रिहर्सल्स कितनी जरूरी होती है। देखिए निर्मला जी, रिहर्सल पर ना आने की वजह कोई दिखावा नहीं है, हमारा एक जेन्युइन घरेलू प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम नहीं आ पाएंगे। आधा घंटा सर, आधे घंटे में मुझे नहीं लगता कुछ खास फर्क पड़ जाएगा, और ये रिहर्सल्स का फैसला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का है, मेरे अकेले का नहीं, वरना मैं बिल्कुल जोर ना डालती। ठीक है, जब आप इतना कह ही रही हैं तो वैशाली बेटा यहाँ। जी बेटे, हम थोड़ी देर के लिए इनके साथ जा रहे हैं, तुम अपनी पैकिंग करके रखना, याद है ना रात की फ्लाइट से तुम्हें दिल्ली जाना। जी पापा। सुनिए जी। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आपके कोट पर कुछ सफेद सा दाग लगा हुआ है। चलिए, नमस्ते शर्मा बेटा। दस मिनट के अंदर तुम तैयार हो जाओ, मैं बुर्के में आऊंगी तुम्हें लेने। ओए जुमुरे, वो जो लड़का है ना जिसको रात पुलिस ढूंढ रही थी 19-20 साल का, वो पीछे छुपाया, जा उसको बुला के ला। पर उस्ताद जी, आपने कैसे पता लग गया वो कब अंदर छुप गया? ओए खोते, तूने कभी ड्राइवर बनना है कि नहीं है? ड्राइवर की दो आंखें पीछे भी होती हैं। चल जा बुला के ला। भी लाया। ओ लाले की जान, जा चल बाहर निकल। अरे निकल भाई बाहर के, हम अंदर आए। आजा आजा आजा, शाबाश, जय माता दी, मार दे छलांग। ओ लाले जी जान, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। अरे किधर भागता भाई, अरे चल ना उधर, ले चल। आ जा आ जा, अरे साथी आ गया जी। घबराना था तब, जा आ जा आ जा। क्या बात है भाई, पुलिस तेरे पीछे पीछे, तू पुलिस के आगे आगे, क्या बात है, है? वो कहीं चोरी किया है, डाका डाला है, या किसी का कत्ल किया है? वो तू हमें दसेगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं दसेगा? चल जान दे, रोटी खा ला तू, भुखा हो। ले आओ रोटी, ले आओ भाई एक, भूख लगी है, खा ले। ओए ओए, ज्यादा पानी ना पी, खाली पेट पानी काटता है, ले रोटी खा। शाबाश, खा ले खा ले खा ले। चल भाई एक थाली और ला। चलो तू उठे बैठ के खा। बहुत भूख लगी है। किससे मिलना है आपको? आज कोई ईद का दिन तो है नहीं जो आप मिलने मिलाने की बात कर रही हैं। मेरा मतलब था क्या काम है और किससे काम है। ओ, वो हम यहाँ काम मांगने को नहीं आए हैं। तो फिर किस लिए आए बताइए? वो आपके साहब है ना, राहुल खन्ना साहब, उनकी बेगम सुनीता खन्ना, उन्होंने अपनी साहबजादी वैशाली के चंद लिबास हमारे मदरसे की लड़कियों को खैरात में देने के वास्ते हमको यहाँ बुलाया है। मगर इन सब ने तो कुछ बोल के नहीं गए। सुनो, इन्हें आने दो, मैं इन्हें जानती हूँ, मम्मी ने इन्हें बुलाया है। तुम ऐसा करो
तुम मेरे कमरे में जाओ, वहां बिस्तर पे एक एयरबैग रखा है, उसे लेकर आओ। जाओ। इस बैग में बुरका है, उसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ शिद्दत की प्यास लगी है, जरा पानी मिलेगा पीने को? ये तो गर्म है, थोड़ा बर्फीला पानी मिलेगा? बड़ी मेहरबानी होगी। वैशाली, वैशाली जल्दी करो, यही मौका है, जल्दी करो। वैशाली बाबा, एक कप चाय मिलेगी क्या? रीना, रीना जाके चाय लेकर आओ। गिलास मिलाना। वैशाली जल्दी करो, जल्दी आओ। बुरके वाली कहाँ गई? बुरके वाली? वैशाली, वैशाली। क्या बात है नेताजी, ये सही है कि परेशानियों का दौर चल रहा है, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। मैं चुनाव का आदमी हूं, तनाव में आके टूटने लगता हूं, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। लगता है हमारी और आपकी कुंडली काफी मिलती जुलती है। जब हम चोट खाते हैं तो आप भी कहीं जख्मी हो जाते हैं और हमारे पास चले आते हैं। बताइए क्या समस्या है? यार अब सुलभा का ऐसा सोचना है कि शिवानी राव उससे मिलने आई थी और धमका के चली गई। शिवानी राव? हाँ, लेकिन उसके बाद का मुझे 100% भरोसा नहीं है। लेकिन अब तुम तो जानते हो ना कि सुलभा की तस्वीर छपी थी अखबार में, हो सकता है उसी से धोखा खाकर ये औरत, अब मेरा मतलब ये शिवानी बन के जो आई है, भेष बदल के आई हो और उसे धमका के चली गई। ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। कंफ्यूजन नहीं है, खतरा है। शिवानी राव अगर जेल से छूट गई है तो भी खतरा है, और अगर कोई दूसरी औरत ड्रामा कर रही है तो फिर और भी खतरा है। क्यों? क्यों? अगर शिवानी राव जेल में है और कोई दूसरी औरत उसकी जगह ड्रामा कर रही है तो उससे उसको क्या फायदा हो सकता है और हमें क्या खतरा हो सकता है? शिवानी राव बनके अगर जो औरत आएगी, किसी से मिलेगी, तो इसका मतलब यही होगा ना कि शिवानी राव के बारे में सब कुछ जानती है, और शिवानी राव के बारे में जानने का मतलब क्या होता है जानते हो? हमारे तमाम राजों की एक और राजदार। इसका तो एक ही उपाय। क्या? हमें जेल जाकर यह पता करना पड़ेगा कि शिवानी राव जेल में है या रिहा कर दी गई है। अब ये काम तो तुम अच्छी तरह कर सकते हो। कर सकता हूं लेकिन कर नहीं पाऊंगा। क्यों? हमने अभी बताया कि हमारी और आपकी कुंडली काफी मिलती जुलती है। हमारा बेटा सूरज घर से भाग गया और हम बहुत परेशान हैं उसको लेकर। ठीक है, फिर मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है। सुलभा की पहचान के बारे में आपने उसे झूठ तो नहीं कहा ना? अरे यार, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा?
यही मेरी कहानी है। तो चिंता ना कर, आज से तू मेरा छोटा भरा है, हैं? तू घबराते नहीं, जहां मैं जाऊंगा तू मेरे साथ चलियो, जो मैं खाऊंगा वो तू खाइयो, जहां मैं सोऊंगा वहां तू सोइयो। गड्डी चला लेता कि नहीं चला लेता? ओ, फिर क्या बात है, तू चिंता ना कर, दुनिया की ऐसी तैसी, दुनिया की परवाह नहीं करनी। ओ भाई पैसे ले, ओए पैसे दे, चला अच्छा शाबाश, तू मेरे नाल शाबाश, चढ़ा से कितनी बार कहा है कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती, क्यों बार बार कोशिश करते हैं? मैं तुमसे मिलने की कहां कोशिश कर रहा हूं? मैंने तो सिर्फ तुम्हें टेलीफोन करके मिलने की इच्छा प्रकट की है, रिक्वेस्ट की है। अगर तुम्हारा इरादा नहीं था तो नहीं आती। हमेशा औरत की इसी कमजोरी का फायदा उठाते आए मर्द, जानते हैं कि फोन करूंगा बुलाऊंगा तो रोक नहीं पाएगी अपने आप को। एनीवे, क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ बुलाया? शीतल, इमरजेंसी थी, बेचैनी भी थी, अगर सच पूछो तो बेकरारी भी थी। किस बात की बेकरारी? कुछ जानने की। क्या जानना चाहते हैं आप? शीतल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दो बहनें जो इतने अरसे से एक दूसरे पर जान निछावर किया करती थी, आज एक दूसरे को देखकर कतराती क्यों है, इग्नोर क्यों करती हैं एक दूसरे को? इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। चलो, तुम्हारे इस इनकार से ये बात तो साबित हो गई कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। शीतल, एक वक्त था कि हम दोनों बहुत करीब थे। प्लीज निर्मल साहब, मैं इतिहास के उन पन्नों में वापस जाना नहीं चाहती जिनमें मेरी जिंदगी के बहुत अहम फैसले दफन हैं। तो ये तो बता सकती हो कि पिछले 26 साल में ऐसा क्या गुजरा, ऐसा क्या हुआ कि तुम दो बहनें एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती? ये मेरा जाती मामला है और मैं किसी को दखल अंदाजी करने की इजाजत नहीं दूंगी। नहीं शीतल, ये तुम्हारा साथी मामला नहीं है, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, ना ही वहां पे सुनीता अकेली है, ये दो परिवार का मामला है। So what? मैं अब बैठी, मैं एडजस्ट हूं। सिट डाउन। थैंक यू। मैंने आपके और आपके मधुर मिलन में खलल रंग में भंग तो नहीं डाला। क्या बात है बेटा, बहुत बेचैनी से तुम इधर उधर घूम रही हो। कुछ नहीं बड़ी माँ, ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? मैं देख रही हूँ जब से तू राजस्थान से लौटी है कोई चीज तुम्हें हैरान किए हुए है, मुझे बता ना क्या है, हो सकता है मैं कोई रास्ता निकाल लूं। बड़ी माँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कामयाबी की कहानी धोखेबाजी और बेईमानी होती है। तू किसकी बात कर रही है? अपने कॉलेज की ट्रस्टी प्रिंसेस अंबिका की। उस खूबसूरत दिखाई देने वाले चेहरे के पीछे कुछ और है बड़ी माँ, जिंदगी। देख बेटा, जो सामने है उसी के ऊपर चलना सीखो, किसी की बीती और छिपी हुई जिंदगी से हमें क्या लेना देना।
इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी की झूठी तस्वीर के आगे हम सर झुकाए चलते रहे और वो अपना मनमर्जी का खेल खेलता रहे। किस फिक्र में लगी रहती मुझे कुछ समझ में नहीं आता। परिमा आप उसके छल कपट को नहीं जानती। वो औरत जिसे सारी दुनिया राजकुमारी समझती है, परिमा वो राजकुमारी नहीं है। असली राजकुमारी कोई और है। क्या? हाँ, और वैशाली को फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए भी उन्होंने उकसाया, वो भी जानबूझ के। ये सारी बातें अब समझ में आ रही है मुझे। लेकिन बेटा ये सब किस लिए? बड़ी माँ इस किस लिए का ही जवाब मैं भी ढूंढ रही हूँ। देखो वो बहुत नामी और बड़ी हस्ती है, उनके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कोई सबूत है तुम्हारे पास? है। सबूत भी है। अलीपुर की राजकुमारी मोनिका, उन्होंने खुद मुझे सब कुछ बताया है। बड़ी माँ वो बेचारी तो अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठी है सिर्फ इस अंबिका की वजह से। तो फिर तुम क्या करने की सोच रही हो? मैं अंबिका के चेहरे पर से राजकुमारी का नकाब उतार कर उसे दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगी। उसकी सारी करतूतों का आर्टिकल बनाकर वर्मा अंकल के अखबार में छपवाऊंगी। क्या बात है सिस्टर डियर, क्या छपवाया जा रहा अखबार में? मैडम अंबिका एक फ्रॉड है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आपके आने से तो वो क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया। Is it? मेरी पत्नी के चेहरे से तो नहीं लग रहा। क्या लग रहा है मेरे चेहरे से? चेहरा दिल का आईना होता है और औरतें दिल की बात छुपाने में बात नहीं। हजूर, ये औरत महज औरत नहीं, आपकी पत्नी है। Oh my God, मैं तो भूल ही गया था। आज तो जैसे इत्तेफाक पे इत्तेफाक हुए जा रहा है। मैं आई थी यहाँ किसी सहेली से मिलने और देखिए ना निर्मल साहब टकरा गए। हम लोग यहाँ बैठे ही थे कि आप आ गए। मैंने आपसे सफाई मांगी। फिर आप सफाई क्यों दे रही हैं? और वैसे मैं आप दोनों पर यहाँ नजर रखने आया हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, आप लोग सीरियस क्यों हो गए? कम ऑन, चीयर अप, चीयर अप। वर्मा साहब आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। और शीतल हमारा मजाक एंजॉय नहीं कर रही है। देखो ना निर्मल जी, अगर जिंदगी में हंसी मजाक ना हो, कह कहे ना हो, तो जिंदगी किस काम की है? जी हाँ, सिर्फ शायर ही कह कहूं की असलियत जानता है। हर किसी की आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शीतल, यहां आने से पहले मैंने घर फोन किया था। दाई माँ ने बताया कि तुम किसी बुटीक का रिबन काटने गई हो। ये दाई माँ भी अजीब है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बहरी भी होती जा रही है। बस बस बस, गुस्सा क्यों? बेचारी ने गलत सुन लिया होगा। खैर उसे छोड़ो। निर्मल जी, आपने कोई नए शेर कहे होंगे, एक आध शेर हो जाए। वर्मा साहब, नया कुछ कहने के लिए पुरानों को भुलाना पड़ता है और मैं तो पुरानों को ही दोहरा रहा हूँ। आप दिल्ली जाने वाले थे ना? जी हाँ, मगर वो रोहन जाने थे तब ना। उसका कहना है कि किताब के रिलीज के फंक्शन के बाद ही मैं जाऊँ। ओ माय डियर, तो आप इसलिए रुके हुए हैं? मैं रोहन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर मेरे बेटे ने ऐसा सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। I am proud of my son. Anyway, आप लोग enjoy करो। मेरा एक official आया हुआ है, मैं जरा उसे attend करूँ। मुझे भी जाना है। वो हमारे कोटे की application आपके पास आ रही है। आपके अगर दस्तखत हो जाएंगे।